तो हाय गाइस, पुनीत इज बैक विथ न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए कि यार NX100 के अंदर आप कैसे बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेरीज आए हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप कैसे ब्लर कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को NX100 के थ्रू। तो NX100 के अंदर एक 1 इंच का सेंसर लगा हुआ है जो कंपैरेटिवली जो मार्केट में कैमराज आपको देखने को मिलते हैं उससे करीबन 3 गुना बड़ा है। इस वजह से आप इससे आसानी से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, बट आपको ट्रिक आनी चाहिए कैसे आप उसे ब्लर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिक्स और आपके सोल्यूशन कर देते हैं प्रॉब्लम का। सो लेट्स गेट वी स्टार्टेड। जितना छोटा हो सके उतना होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो अगर 4.0 भी है, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है वो 4.0 की है, तो 4.0 भी हो सकता है आपका अपर्चर नंबर जिससे आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकोगे। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ध्यान रखने की होती है कि आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। अगर डिस्टेंस नहीं है तो आप बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर पाओगे। जो लोग मुझसे पूछते हैं वेडिंग फोटोग्राफर स्पेशली कि सर हमारे बैकग्राउंड नहीं ब्लर होता, तो प्रॉब्लम क्या होती है स्टेज के ऊपर पीछे बैकग्राउंड के बीच में डिस्टेंस नहीं होता सब्जेक्ट और आपकी ब्राइड आपकी कैमरा के बीच में, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। इस वजह से NX100 के थ्रू या कोई भी कैमकॉर्डर से उसके थ्रू आप ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकोगे। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि जो आपका जो फ्रेम होता है वो टैली होना चाहिए ना कि वाइड। अगर आपने वाइड रख रखा है तो वाइड फ्रेम में कभी भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है, ये एक फंडामेंटल होता है। हर कोई भी कैमरा हो अगर वाइड फ्रेम है तो आप बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टैली रखना होगा आपका फ्रेम। तो आप टैली जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा आपके कैमरा के अंदर। अभी राइट नाउ आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हैं वो 3.4 अपर्चर, मतलब एफ नंबर जो है वो 3.4 है। जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा मैं इसको करूँ, कम नंबर जितना हो सकता है उतना कम नंबर पर मैं रखूँ, और जितना ज़्यादा मैं टैली कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं टैली करूँ, इसकी वजह से मैं बैकग्राउंड को ब्लर मार पाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं पीछे की तरफ आपको बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा होगा सब्जेक्ट के अंदर, जो पीछे की तरफ फोटो है वो प्रॉपर शार्प नहीं है, वो ब्लर है, केवल सब्जेक्ट ही जो है वो मेरा फोकस के अंदर है, बाकी पीछे वाला जो पिक्चर लगा है ताजमहल का वो ब्लर हो चुका है। तो टैली रखना जरूरी है। अगर आपने वाइट पर रख रखा है जैसे आप इसको वाइट कर देंगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, और सब्जेक्ट के बीच में और बैकग्राउंड में डिफरेंस होना चाहिए। तो इस फंडामेंटल को जब आप अपनाएंगे तो आप आसानी से बैकग्राउंड को ज्यादा से ज्यादा डी फोकस कर पाएंगे। अभी देखिए कितना ज्यादा ब्लर हो चुका है बैकग्राउंड, फोटो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो इस बेसिक फंडामेंटल के बेस पे ही आपका डेप्थ ऑफ फील्ड वर्क करता है, डेप्थ ऑफ फील्ड बोला जाए या बैकग्राउंड ब्लर बोला जाए वो वर्क करता है। तो इस ट्रिक को आप अपना करके बैकग्राउंड को NX100 या कोई भी आपके पास कैमरा हो XYZ इज नॉट डिपेंडिंग ऑन NX100, कोई भी कैमरा हो उससे आप बैकग्राउंड ब्लर कर पाओ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे हेल्प करी है मिस्टर रोहित गौतम, ये सोनी के बहुत ही विख्यात कैमरा स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड मिररलेस कैमरा से तो नीचे लिंक के आपको मिलेंगे, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही हमारे मॉडल मिस्टर रवि रावत, इन्होंने मॉडलिंग में बहुत हेल्प करी टू शूट दिस वीडियो। मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही में नीचे मिलेंगे आपको मेरे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, स्टे रॉक, बाय।